नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, जिन बच्चों के मार्क्स उनके एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, जिनके रिजल्ट में SYC, SYCT, SYCP मेंशन हो गया है, तो उन बच्चों को एक एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। जिन बच्चे के रिजल्ट में अपने मार्क्स से जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, उन बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को NIS का एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सेंड करना है। यदि आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड नहीं किया है, तो बाय पोस्ट के जरिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो वीडियो में आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से दिया जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक डेमो आप समझ लीजिएगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो में यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम से आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हो। तो ये वाला जो नंबर है, ये ओनली व्हाट्सएप नंबर है। इस वाले नंबर पर क्या कर सकते हो, आप हमारी टीम से एप्लीकेशन फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन को सेंड कर दिया है, उन बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने पहले ही NIS के ऑफिशियल हेडक्वार्टर तक, जो कि नोएडा 6062 में स्थित है, जिन बच्चों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर दिया है, उन बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात में आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फॉर्मेट है, मैं बता देना चाहूँ, आपको दिख रहा होगा, यदि आप देख सकते हो नहीं, अन्यथा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार फॉर्म को फिलअप करना है। आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करवाना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हमारी टीम से लेके, आप किसी भी साइबर कैफे में जाके इस वाले पेज को आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करवाना होगा, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स है, चाहे आप TMA में आप प्रेजेंट थे, आपके TMA में मार्क्स नहीं दिए गए, या फिर आपके TMA में लेस मार्क्स आए और लेस मार्क्स के कारण आपके रिजल्ट में SYC मेंशन हो गया, TMA आपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर रखा था बट आपके रिजल्ट में एब्सेंट हो रहा है, आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अपीयर्ड थे बट आपका एब्सेंट हो रहा है, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ लेकिन आपके रिजल्ट में अभी भी प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो रहा है, तो आपको इस वाले पे टिक करके आपको सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, यदि TOC वाले बच्चे, यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट वाले बच्चे, तो उनको नीचे सेलेक्ट करना होगा। यानी कि जो भी बच्चे आ रहे हैं, जो भी जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हुआ है, इस प्रॉब्लम्स में आपको ये ऑफिशियल आपके NIS का फॉर्म है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आप समझ सकते हो बिल्कुल भी किसी टाइप की परेशानी नहीं होगी। जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स हुआ है, उस प्रॉब्लम्स को यहाँ पे टिक कर देना होगा। ठीक है, सिंपल सा यही लॉजिक है। जो भी साथ आपके साथ गलत हुआ है, आप क्या कर सकते हो, इस पर आप टिक करके अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैटेगरी चूज करना होगा। जिस भी कैटेगरी में आपके साथ कम मार्क्स आए, जैसे इस बच्चे की मैं बात करूँ, एक बच्चा था, इसका एप्लीकेशन फॉर्म हमने NIS के हेडक्वार्टर तक पहुँचा दिया है, इसमें क्या किया, इस बच्चे के साथ क्या हुआ था, TMA में कम मार्क्स थे, इसीलिए इनका सब्जेक्ट क्या नहीं हो पाया था, क्लियर नहीं हो पाया था। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो भी कैटेगरी में आपके साथ गलत हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा लेस मार्क्स इन TMA, सो ये टू बी क्लियर इन थ्योरी। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना होगा, नेम लिखना होगा, जो भी आपका नाम है, चलिए इस बच्चे का नाम था, नाम इस बच्चे ने अपना नाम फिल कर दिया, आपको इनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा, यहाँ पे आपको कोर्स फिल करना होगा, सेकेंडरी कोर्सेस या सीनियर सेकेंडरी कोर्सेस, फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट की एक कॉपी आपको अटैच करनी होगी, और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मेंशन करना होगा। एक छोटा सा आपको शॉर्ट इंट्रो में लिख के आपको क्या करना होगा, प्रॉब्लम मेंशन करना होगा। ठीक है, जैसे कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था, आप देख सकते हो, इस बच्चे ने लिखा है, आई अपीयर्ड इन पब्लिक एग्जामिनेशन ऑफ मार्च अप्रैल 2020 बट ड्यू टू COVID-19 एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्ट, आई गॉट ओनली 14 मार्क्स इन TMA। इस बच्चे के मार्क्स कितने आए, 20 आउट ऑफ 14 मार्क्स आए, जो कि एटलीस्ट कह सकते हो ठीक ठाक है। यदि बच्चे के 20 में से 14 मार्क्स TMA में आते हैं, 20 आउट ऑफ यदि बच्चे के 14 मार्क्स आते हैं, तो आप इस बेसिस पे बच्चों को SYC रिजल्ट में नहीं दे सकते। ठीक है, यदि बच्चे के 20 में से 14 मार्क्स आते हैं, तो आप बच्चों को रिजल्ट में SYC मेंशन करके नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे इन बच्चों के साथ यही हुआ है, इस बच्चे के मार्क्स आए थे TMA में 14 मार्क्स आए थे, लेकिन इनके रिजल्ट में SYC मेंशन कर दिया गया है और इनके रिजल्ट को SYC देके उन्हें रोक दिया गया और उनके रिजल्ट की डिग्री उन्हें प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। यहाँ पे आपको डेट लिखना होगा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना होगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा। इस रिजल्ट के ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करके आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट की कॉपी लगानी होगी। जो भी आपके पास रिजल्ट है, जो भी आपने रिजल्ट से प्रिंट आउट निकलवाया था नेट से, इंटरनेट से, आपको इस, जैसे इस बच्चे का ये रिजल्ट है क्लास 12th में, आप देख सकते हो उनके रिजल्ट में SYC मेंशन हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा सब चीज़ कि आपके इस बच्चे के रिजल्ट में 14 मार्क्स आए थे होम साइंस में TMA में, लेकिन इनके रिजल्ट में SYC दे दिया गया क्योंकि इनके TMA में 20 आउट ऑफ 14 मार्क्स थे। तो यही सब क्या किया है, NIS ने गलत किया है कि बच्चों के मार्क्स उनके
मार्क्स के टीएमए के अकॉर्डिंग बच्चों के मार्क्स नहीं दिए गए हैं, तो इन्हीं के रिगार्डिंग बच्चों क्या करना है आप लोगों को, एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, ठीक है। इसको क्या करना है आपको, अटैच करना होगा इस लेटर को, इस एप्लीकेशन को अपने रिजल्ट के साथ अटैच करके आपको क्या करना होगा, पोस्ट ऑफिस में जाके बाय पोस्ट जाके आपको सबमिट करना होगा, बाय पोस्ट जाके क्या करना होगा, स्पीड पोस्ट के जरिए क्या करना होगा आपको, सबमिट करना होगा। आपका ये क्या होगा, लेटर NIS के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगा जो कि नोएडा 6062 में है। यदि आप चाहते हो कि बाय पोस्ट के जरिए कैसे करें, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको हर चीज़ डाउट समझ में आ जाएगा। यदि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म चाहिए फिलअप करने में कोई भी दिक्कत हो, हमारी टीम के साथ आप हमसे क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को फिलअप करवा सकते हो, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। यदि आप चाहते हो कि हमारी टीम आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दे, यदि आप चाहते हो कि हमारी टीम आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दे, तो कुछ चार्ज होगा जो कि पोस्ट ऑफिस का और स्पीड पोस्ट का चार्ज होता है, और जो हमारी टीम चार्ज लेगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हम तक पहुंचा सकते हो और हम आपके एप्लीकेशन फॉर्म को NIS के हेडक्वार्टर तक पहुंचा देंगे स्पीड पोस्ट के जरिए। यदि आप लोग को लगता है कि आप लोग खुद कीजिए, पहले तो आप प्रिफेयर कीजिए, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को खुद स्पीड पोस्ट के जरिए खुद आप क्या कर सकते हो, वहां तक पहुंचा सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हमारी टीम से या फिर हमसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फॉर्म फिलअप करवा के सेंड करवाना चाहते हो NIS के हेडक्वार्टर तक, तो आप हमसे भी एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करवा सकते हो। कुछ चार्ज आपका, कुछ अमाउंट लगेगा उसके लिए, उस दिए गए अमाउंट्स पे आपको क्लिक करके या फिर पे करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके NIS के हेडक्वार्टर तक स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचा सकते हो। आपको क्या मिलेगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है, आपको स्पीड पोस्ट का स्लिप दिया जाएगा, स्पीड पोस्ट के स्लिप के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है नोएडा सेक्टर 62 तक जा चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हर डाउट्स का क्लियर यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स हो रिजल्ट्स के रिगार्डिंग या फिर किसी भी अदर टॉपिक के रिगार्डिंग, कोई भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हो, तो आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपके पास नहीं आनी चाहिए। और ये आप जल्दी से जल्दी आप क्या कीजिए, अभी तक एप्लीकेशन आपने नहीं किया है सबमिट, अब जल्दी क्या कीजिए, एप्लीकेशन को सबमिट करवा दीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करवाने में जितना आप लेट करोगे उतना आपका रिजल्ट डिले होगा, और रिजल्ट यदि डिले हो गया, यदि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि बच्चों को रिजल्ट दोबारा से तैयार करके NIS को देना है, तो बच्चों का रिजल्ट दोबारा से आएगा, दोबारा से बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन अभी तक कोई भी कोर्ट की तरफ से यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है कि बच्चों का रिजल्ट दोबारा से अनाउंस करके दिया जाए, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने नहीं सबमिट किया है एप्लीकेशन फॉर्म तो जरूर सबमिट करें। कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे भी क्या कर सकते हो, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फ्री ऑफ जो भी चार्ज आपका लगेगा, उस दिए गए जो भी आपका स्पीड पोस्ट वगैरह का चार्ज होगा, जो भी हमारा चार्ज होगा, उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप खुद वहाँ पे यदि आप दिल्ली के आसपास रह सकते हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को खुद भी आप सेंड कर सकते हो। धन्यवाद आप लोगों सभी का, जैसे कोई नई अपडेट आती है तो मैं उसके रिगार्डिंग आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। धन्यवाद आप लोग आप सभी का, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर।